हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर अपने 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसके बाद सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहत देते हुए केंद्र सरकार ने इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि हम पेट्रोल और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल 6 रुपये प्रति लीटर कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये और डीजल की कीमत 7 रुपये कम हो जाएगी। वहीं घरेलू गैस के संबंध में उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना लगभग 6100 करोड़ का राजस्व प्रभावित होगा। बता दें कि एक एक कर किए गए अपने 12 ट्वीट में वित्त मंत्री ने कई उत्पादों पर एक्साइज, कस्टम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं, जहाँ हमारी आयात निर्भरता अधिक है। इससे अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आएगी। इसी तरह हम लौह और इस्पात के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतों को कम करने के लिए सीमा शुल्क को कम कर रहे हैं। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा, हालांकि कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी ने जब से जिम्मा संभाला है, केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। हमने गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। नतीजतन हमारे कार्यकाल के दौरान औसत महंगाई पिछली सरकारों की तुलना में कम रही है। वहीं पेट्रोल की कीमतों